बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम करते हैं अपना चैनल फातिमा स्माइलिंग वर्ल्ड में। और आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है ओलिविया हेयर कलर पे हमारा जो रिव्यू है वो बताऊँगी आपको, और ये बताऊँगी कि इसकी पैकिंग कैसी है, इसके कलर्स कौन कौन से हैं, कलर शेड कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये कलर मैं लेके आई हूँ ओनली 150 रुपीज़ में। इसकी प्राइस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस आप देख सकते हैं। और ये है मेरे पास 11 कलर जो है कॉपर ब्राउन। बाकी इसके जो शेड्स हैं वो है इसके जो शेड हैं हमारे पास ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, हेजल ब्लॉन्ड, एश ब्लॉन्ड, मोका ब्लू ब्लैक, कॉपर ब्राउन एंड गोल्डन ब्लॉन्ड। ये सारे कलर हैं, 12 कलर्स में अवेलेबल है ये ओलिविया हेयर कलर, जो कि ये मैं अपने लिए लेके आई थी क्योंकि ये है नॉन मेटालिक डाई। ये देखें, ये है नॉन मेटालिक डाई कॉपर ब्राउन, 11 कलर है ये हमारे पास। इसको खोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, खोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शंस कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसकी क्या क्या टाइमिंग है, कैसे यूज़ करना है, ये तरीका इसमें सारा बताया हुआ है। उसके साथ इसमें है जी एक डिवेलपर और एक वॉल्यूम, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ग्लव्स, जो कि आपने ज़रूर पहने अपने हाथ पे, ये आपको आपके हाथ को ख़राब होने से बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है 20 वॉल्यूम, और ये है हमारे पास डिवेलपर और ये वॉल्यूम, ये दोनों हैं कॉपर कलर, और ये आप अपने डाई यूज़ कर सकते हैं बालों में, और ये चलते हैं ज़्यादा अरसा 3 महीने बस। लेकिन जो है ये आप लोगों के बालों को डैमेज होने से बचाता है, या आपके बाल डैमेज नहीं करता जो बाकी। इसमें हम लेंगे सबसे पहले इसका जो है वॉल्यूम, कंप्लीट हम इसमें ये ऐड करेंगे, टू शेड में है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वैसे तो। हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। पहले जो मैंने कलर किया था वो भी था ओलिविया का, पर वो डार्क ब्राउन शेड में था, लेकिन इस बार जो हम कलर करेंगे वो होगा हमारा कॉपर ब्राउन। मेरे बालों का कलर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पहनने हैं ग्लव, ये पहनना बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको बताएंगे क्योंकि दोनों हाथ को पहन लीजिए। उसके बाद चलें इसको स्टार्ट करते हैं, अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। कलर अप्लाई किया था मैंने रात को इसको ट्राई करने के लिए अपने थोड़े से बालों पर। आप देख सकते हैं कि कलर शेड कौन सा आया है। आज पहले मैंने ट्राई किया, मैंने कहा पता नहीं कौन सा कलर आएगा, लेकिन अब ये देखें कि बहुत अच्छा कलर आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो पूरे बालों में लगाते हैं और आपसे शेयर भी कर देते हैं। ये देखें, ये है कलर मिक्स करने के बाद ये कलर। इसको हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे, आप भी कर सकती हैं अपने बालों पे अप्लाई। अगर आपको कलर चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट करने का शौक है अपने बालों के साथ, तो आप ये कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।